इंसल्ट? क्या बोल रहे हैं यार? ये इंसल्ट नहीं है भाई। क्या आपको बिल्कुल नहीं पता भाई कि मुझे क्या चाहिए? यह सब कुछ जानते हुए भी इग्नोर करने में, मुझे बार बार ऐसे नीचा दिखाने में आपको मजा आ रहा है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये तो तेरा ड्रीम है ना, मुझे लगा तू इसमें खुश होगा, तेरी नई शुरुआत होगी। ड्रीम? ये बिजनेस मेरा ड्रीम नहीं है और ना ही कभी ये बिजनेस मेरा ड्रीम था। ये आपका ड्रीम है भाई, जो आप जबरदस्ती मुझे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। आपकी मर्जी और आपकी इसी जिद की वजह से मैंने लास्ट टाइम भी आपके बिजनेस प्लान में फिट होने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे मिला क्या? इंसल्ट। बोर्ड मीटिंग में मेरे किसी भी सजेशंस को सीरियसली नहीं लिया जाता था, उल्टा हमेशा हमेशा मेरी बेइज्जती की जाती थी। अभिमन्यु, वो तेरा फील नहीं था ना, फिर ये तो तेरा फील है ना, तो तुम मालिक होगा इसका। तुझसे अगर कोई गलती भी होगी तो वो एक सीख जैसी होगी और तू आगे बढ़ते रहना, और बाकी जो होगा वो देख लेंगे ना यार। ना तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। I'm sorry भाई, आप होंगे एक आदर्श बेटे, लेकिन मैं नहीं और ना ही मैं बनना चाहता हूं, लेकिन मैं अब आपकी इस बनाई हुई दुनिया में ना कठपुतली नहीं बन सकता। अरे माने इतना सारा खाना क्यों? माँ को लगा होगा कि ऑफिस में औरों से रिश्ते जोड़ने के लिए खाने से बढ़िया और क्या हो सकता है। अनाया, ऋषभ, ये मेरी माँ ने भेजा है, गट्टे की सब्जी है, ट्राई। अनाया ट्राई कर। वाओ, काफी इनोवेटिव कुक है तुम्हारी मॉम। थैंक यू। मेरी बनाई हुई दुनिया अभी, लेकिन ये तो तेरी चॉइस का बिजनेस है ना। मुझे कुकिंग का शौक है भाई, मुझे कुकिंग करना पसंद है, लेकिन आप क्यों नहीं समझते इस बात को? और कुकिंग की स्पेलिंग MONEY नहीं होती, मुझे बिजनेस नहीं करना भाई, मुझे अपने हाथ से खाना बनाने का पैशन है भाई। आप कभी नहीं समझेंगे क्योंकि आप सगे भाई नहीं, आप सौतेले। सौतेले। और सौतेला और भाई सौतेला कभी भाई नहीं समझ सकते। ये सब्जी से खुशबू किस चीज की आ रही है? ये मेरी माँ ने बनाई है। ये खुशबू किस चीज की आ रही है? नींबू और क्या? नहीं सर, वो मेरी माँ इसमें लेमन ग्रास काट के और कूट के ऐसे पीस के डालती है। वेरी इंटरेस्टिंग, सर ट्राई कीजिए ना। नहीं, किसी और दिन ट्राई करता हूँ। थैंक यू। अभी अभी ठीक सर, आपकी पूरी फैमिली खाना खाने के शौकीन के साथ साथ जानकार भी है। आपकी माताजी का तो बहुत अच्छा टेस्ट है, और अभी अभी अभिमन्यु सर से बात करके मुझे पता चला कि उनके अंदर खाना बनाने का भी टैलेंट है। आपको पता है सर, मुझे ऐसा लगता था कि बड़े लोग तो बस खाना खाना जानते हैं, उन्हें थोड़ी ना दाल और सब्जियों के नाम पता होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और तो और मुझे ये भी पता चला सर
कि आपको भी खाना बनाने आता है? Have you lost it? Have you lost it? यही करने आती हो यहाँ पे क्या? यही करने आती हो ऑफिस? मैं, मेरी माँ, मेरा भाई, किसने तुम्हें हक दिया मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने का? किसने हक दिया? दो दिन तुम्हें हुए नहीं ज्वाइन करने, लेकिन हर चीज में टांग उड़ानी है तुमको। घर में, परिवार में, मेरे भाई क्या खा रहा है, माँ, और ये क्या पहन रखा है तुम्हें? ये क्या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे कि तुम जोकर बन के आओगे घर से? ऑफिस है, यहाँ पे ड्रेस कोड होता है, समझी? कंप्यूटर चलाना तुम्हें आता नहीं, क्वालिफिकेशन तुम्हारी है नहीं कोई, ये नहीं यहाँ पे रोज आके अपने आप को इंप्रूव कर लो, कुछ सीख लो, नहीं, उसके बजाय क्या करूंगी? मेरे घर के मामले में दखल दोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर जाने की? हद में रोगी होगी थी तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। मुझे मारा। ए, तूने मेरे भाई को कैसे रुलाया? चल कान पकड़ के सॉरी बोल। ए, तुझे क्या रे? कौन सा तेरा सगा भाई है? अरे सौतेला सौतेला। क्या बोला तू? क्या बोला तू? हाँ क्या बोला? भाई आप कभी नहीं समझेंगे क्योंकि आप सगे भाई नहीं है। आपको बार बार मेरे जख्म खुरीदने में मजा आता है ना? मुझे कुकिंग का शौक है भाई, मुझे कुकिंग करना पसंद है, लेकिन आप क्यों नहीं समझते इस बात को? भाई आप सौतेले और सौतेला भाई कभी नहीं समझ सकता। हार गया मैं, नहीं पहुंच पाया अभी के दिल तक। ना, इस बार फेल ना होंगे, उल्टा अच्छे नंबर लाऊंगी, बहुत अच्छे नंबर लाऊंगी, फर्स्ट लाऊंगी, फर्स्ट। हाँ यही करने आती हूँ ऑफिस। मैं, मेरी माँ, मेरा भाई, किसने तुम्हें हक दिया मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने का? कंप्यूटर चलाना तुम्हें आता नहीं, क्वालिफिकेशन तुम्हारी है नहीं कोई। विधि दी, क्या बात है? ऑफिस से आने के बाद कोई अलग ही दुनिया में खो गए आप तो। सीमा तुझे पता है सप्लाई डिमांड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है दीदी कि आप बहुत परेशान हो और कल सुबह होते ही बाल घर पहुंचने का मौसम बन रहा है। गुड नाइट। भैया दावे के साथ कह रहा हूँ, देवव्रत रायचंद की पर्सनल कार है, इसको अगर यहाँ घेर लिया है ना भैया, इसको बाइट देनी ही पड़ेगी। बस अब आ जाओ जल्दी से फटाफट। सलम साहब, गेट क्यों नहीं खोल रहे? तब से ऑन कर रहा हूँ। सॉरी साहब, वो मुझे ऑफिस में बुलाया था ना, आई ना। अरे अभी रहने दो, अभी गाड़ी रहने दो। यहाँ बच्चे कहाँ हैं? वो पीछे गार्डन में खेल रहे हैं। ठीक है, माँ के कमरे का दरवाजा खोल देना,
मैं वहां थोड़ी देर अकेले बैठूंगा। जी साहब। भैया भैया। हाँ दीदी। वो कहाँ है? रॉकी, रॉकी कमरे में बंद है। आइए ना, चिंता मत कीजिए, आइए। पक्का ना भैया? अरे हाँ दीदी, आइए ना। ठीक है। हमेशा बस एक ही गिरा रहेगा। 10 साल की उम्र में उन्होंने आपको मुझसे दूर कर दिया। कुछ देर आपका और साथ रहता तो थोड़ा और प्यार मिलता आपका, दिल को थोड़ा और सुकून मिलता। तो आज की सबसे बड़ी खबर माना ये जा रहा है कि आज रायचंद ग्रुप के एक स्ट्रेन डिसीजन की वजह से मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एमपी के 2 बड़े होटल के शेयर एकदम से क्रैश कर गए। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि इस पूरे ड्रामे की वजह रायचंद खानदान के दोनों भाइयों की आंतरिक कलह का होना है। मम्मी जी, अभिमन्यु, मम्मी जी। कल रिपोर्ट आई थी कि रायचंद ग्रुप एंड कंपनी ने इन 2 बड़ी कंपनियों के शेयर को टेक ओवर कर लिया है, जिसकी वजह से इनके शेयर काफी ऊंचाई पहुंचे थे। मगर आज रायचंद ग्रुप ने अपना डिसीजन रिवर्स कर दिया, जिसकी वजह से इनके शेयर परसों से भी नीचे जा चुके हैं। इस रोलर कोस्टर राइड में इन्वेस्टरों ने अपने लाखों करोड़ों रुपए डुबा दिए। आखिर करना क्या चाह रहे हो दीप? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो अभिमन्यु? दोनों भाइयों के बीच में कल इनके स्टाफ के सामने उनके ही ऑफिस में आज झगड़ा देखा गया था। और कहते हैं ना, जब 2 भाइयों के बीच बात निकलती है तो दूर तक जाती है। झगड़ा? अभी तेरा देव के साथ झगड़ा हुआ? पापा, मैं जानता हूं आपने जो भी किया मेरे लिए किया। माँ के जाने के बाद मुझे प्यारी माँ दी, एक खूबसूरत परिवार दिया, एक नया परिवार दिया। और मैंने आपसे वादा किया था कि उस परिवार को मैं हमेशा खुश रखूंगा। फिर उस मकसद में मैं फेल होता जा रहा हूँ पापा। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए पापा। स्माइल उड़ा दी। किसने कहा? ये तो रही, देखो है तो नहीं। ये अच्छी वाली स्माइल नहीं है। हम में बत्ते अच्छी वाली स्माइल कैसे लानी है? आ जाओ सब लोग, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। 1, 2, 3 करोगे ना तो कोई ना कोई वजह अपने आप आ ही जाएगी। 1, 2, 3 स्माइल। स्माइल करोगे तो स्माइल करने की कोई ना कोई वजह अपने आप आ जाएगी। अब ठीक है। ये तुम क्या ड्रॉ कर रही हो? ये एक लकड़हारा है जो पेड़ काट रहा है। लेकिन पेड़ काटना बहुत बुरी बात होती है। पेड़ हमें छाया देते हैं, अच्छी हवा देते हैं,
है ना? बट इस लकड़हारे को अपने घर पे खाना पकाना है ना, तो उसके लिए पूरा पेड़ काटने की क्या जरूरत है? जो भी लकड़ियाँ सूख गई है उन्हें काट कर भी तो चूल्हा जलाया जा सकता है ना? हाँ। तो अब अपने लकड़हारे को बिठाओ यहाँ। दीदी वो लकड़हारे वाली कहानी सुनाओ ना। क्या ये चिंगारी आने वाले वक्त में आग बनकर इस पूरे बिजनेस एम्पायर को जला देने वाली है? ऐसा माना जा रहा है कि दोनों भाइयों का झगड़ा अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक आ पहुंचा है। क्या हम अब आने वाले वक्त में इस एम्पायर को बिखरते हुए देखेंगे या फिर दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा होगा? अंदर की बात क्या है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या पांडव और कौरवों की तरह फिर से हमें एक नया युद्ध देखने को मिलेगा या रामायण के भाइयों की तरह फिर से एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के नाम पर बिजनेस चलाएगा? कौरव पांडव ने अभिमन्यु, बेबी तुम तो सच के अभिमन्यु निकले। जिसने चक्रव्यूह से तोड़ा ही नहीं उसमें घुस के जीत के बाहर भी निकल गया। आई एम सो सो प्राउड ऑफ यू बेबी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फाइनली इस एम्पायर का राजमुकुट अब तुम्हारे सिर पे होगा और मुझे मेरी लॉन्ग ड्यू आजादी मिल जाएगी। प्रिया बस करो, ये क्या बोले जा रही हो? अभी ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर देव आप इस बारे में क्या कहेंगे प्लीज हमें बताइए। हम कल से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें आपकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिल रही है। अब आप ही जनता को बताइए कि सब क्या चल रहा है। तो बात है ये बड़ी पुरानी लकड़हारे की गजब कहानी। जंगल जंगल लकड़ी काटे मस्त जिए गुड़ रोटी खाके। दीदियां क्या करें? एक दिन बिचारे की कुल्हाड़ी हाथ से फिसली और नदी में जा गिरी। लकड़हारा बेचारा रोया भे भे भे। अचानक से उसके सामने देवी हुई आ खड़ी। देवी के हाथ में थी सोने की कुल्हाड़ी। देवी बोली मत कर भे भे, ये ले तेरी कुल्हाड़ी। लकड़हारा बोला ना ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं, ये तो सोने की है। मेरी कुल्हाड़ी तो हो गई गुम, बात तो ये रोने की है। फिर देवी माँ फिर से पानी में गई और अब की बार लाई कुल्हाड़ी चांदी की नहीं। तो हमारा लकड़हारा क्या बोला? बोला ना इसमें भी कोई गड़बड़ है। तो देवी बोली अरे तू क्यों करता बड़बड़ है। देवी फिर से गई पानी में और अब के देवी लाई कुल्हाड़ी लोहे वाली। तो लकड़हारा उसे देखकर हुआ बहुत खुश और उसने अपनी बत्ती सी चमकाई। ये बिजनेस मेरा कभी ड्रीम नहीं था भाई, और ना ही कभी ये बिजनेस मेरा ड्रीम था। मुझे कुकिंग का शौक है भाई, मुझे कुकिंग करना पसंद है, लेकिन आप क्यों नहीं समझते इस बात को? तो बताओ बच्चों इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? थैंक यू पापा, मुझे हमेशा की तरह आज भी रास्ता दिखाने के लिए। चलो 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 बच्चों, नाश्ता रेडी हो गया है, चलो जल्दी। संभाल के दौड़ना नहीं। मिस बेबी तुम इरिटेटिंग हो, परेशान करती हो। ये लड़कियों की तो जीती जाती फैक्ट्री है, पर सबसे अलग हो, कुछ तो खास है तुम्हारे अंदर।